ब्रह्मा भोज के माध्यम से आज भी हिंदू धर्म में हजारों लोगों को भोजन देने की है प्रथा। धार्मिक मान्यताओं के माध्यम से सामाजिक सद्भावना और सहयोग की परंपरा को जीवित रखते हुए ब्रह्मा भोज कराया जाता है। रायबरेली के लालगंज निवासी समाजसेवी पंकज गुप्ता उनके भाई नीरज गुप्ता के द्वारा एक भव्य ब्रह्मा भोज का आयोजन किया, जिसमें लगभग 10,000 की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। पंकज गुप्ता ने बताया, इस परंपरा को सनातन धर्म के लोग अपने पूर्वजों के संसार में न रहने के बाद भी उनके तर्पण और गया के पश्चात एक भोज के रूप में आयोजित किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य परिचितों के साथ साथ अपरिचितों को प्रसाद के रूप में आमंत्रित करके भोजन व्यवस्था करनी होती है। खास बात यह है कि ब्रह्मा भोज में उन लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है जो बिना निमंत्रण आते हैं और इच्छा अनुसार भोजन भी करते हैं, साथ में बांध कर भी ले जाते हैं, जिन्हें परंपरागत भाषा में कुदवा कहा जाता है। इन्हें विदाई के रूप में कुछ नगद रुपया भी दिया जाता है, जिन्हें निछावर के रूप में उनके ऊपर लुटाए जाते हैं। ये जो परंपरा है लगातार चली आ रही है, आप भी इसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, इसको क्या मानते हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है जो आज पीढ़ियों से चला आ रहा है? देखिए, परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से आज ये दिन जो है सामने शुभ मुहूर्त आया है। वैदिक काल से ये परंपरा चली आ रही है ब्रह्मबोध और गया जी का। गया जी में पूजन करने के उपरांत जो है अपने इष्ट मित्रों आगंतुकों मेहमानों को और सभी को प्रसाद के रूप में जो है भोजन कराया जाता है। उसी परंपरा का आज हम लोग यहाँ पे पालन कर रहे हैं, जिसमें लगभग हमारे 10,000 से 12,000 लोगों को हमने आमंत्रित कर रखा है और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी गैर आमंत्रित लोगों को यहाँ पर हम भोजन कराएंगे, जिनको हम आमंत्रित नहीं किए, उनको यहाँ पर गांव की भाषा में क्षेत्रीय भाषा में कुदुआ कहा जाता है, तो इन सबको हमने आमंत्रित किया है। परम पिता परमेश्वर की अनुकंपा से आज ये कार्यक्रम सम्पन्न। ये जो कार्यक्रम हो रहा है क्यों करवाया जा रहा है, उसकी क्या मान्यता है? ये मान्यता सदियों पुरानी है और इस परंपरा को हम लोग आज तक बना के चल रहे हैं। यह इसमें इसको ब्रह्म भोज कहते हैं, जो पूर्वजों के गया जी तीर्थ जाने के उपरांत किया जाता है। इसमें क्षेत्र के लोगों को भरपेट हम लोग भोजन करवाते हैं और जो लोग बगैर निमंत्रण के जिनको कुदुआ कहते हैं उनको भी हम लोग भरपेट भोजन करते हैं। और इस परंपरा को, ये सनातन धर्म की परंपरा को हम लोग आगे भी बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे। ये हमारे क्षेत्र की बहुत अच्छी एक परंपरा है और सनातन धर्म का एक बहुत अच्छा एक काम है।